हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो यह आप अगर यूट्यूबर है तो यहाँ पर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइक एंड डिसलाइक और जो कमेंट का ऑप्शन है वो बंद हो चुका है। अगर आपके साथ ये भी प्रॉब्लम है तो किस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बंदे मेरे इस वीडियो पर लाइक और डिसलाइक वो हाइड हो चुका है और कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कोई बंदे मेरे इस वीडियो पर लाइक नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता, लाइक कर सकता है लेकिन वो हाइड है और यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकता। तो इन प्रॉब्लम को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, चलिए इस वीडियो को हम बताने वाला हो कि यहाँ पर किस तरह से इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही 2K यहाँ पर होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम से आपको YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। चले हम आते हैं क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वो अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ से ओपन कर लेना है। क्रोम से हम YT स्टूडियो को ओपन करने वाला हो। चलिए यहाँ पर आप अपने लोगो पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो चैनल है YT स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर आप देख रहे हो YT स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम शो हो चुका है कि आपका जो YT स्टूडियो है वो डायरेक्ट ओपन हो चुका है। तो इन प्रॉब्लम से अगर आप क्रोम से ओपन करना चाहते हैं लेकिन आपका क्या है जो YT स्टूडियो ऐप से यहाँ पर शो हो चुका है, तो इन प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे कर सके, चले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं वो कमेंट वाले ऑप्शन का सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए इसको आपको क्या करना है, आपका YT स्टूडियो का सेटिंग पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग से वो मिल जाएगा। सेटिंग से आप इस YT स्टूडियो के ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ओपन सपोर्टेड लिंक्स पर आपको क्लिक करके डोंट ओपन इन दिस ऐप, इस पर आपको सेटिंग क्लिक करना है। चलिए हम आते हैं YT स्टूडियो से, यानी क्रोम से हम YT स्टूडियो ओपन करने वाला हूँ। चलिए अगेन आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए YT स्टूडियो, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वो YT स्टूडियो ऐप्स पर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपके क्रोम पर ही वो वीडियो शो हो जाएगा, YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि उन कमेंट्स एंड डिसलाइक और जो लाइक हाइड हो चुका है उन प्रॉब्लम को किस तरह से मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ, किस तरह से ये सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए आपको क्या करना है, अपने वीडियो पर आना है। चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पर, यहाँ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस वीडियो पर ये प्रॉब्लम शो हो चुका है कि आप कोई बंदा आपके वीडियो पर कमेंट नहीं कर सकता, तो उस वीडियो को यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। चले हम इस वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आप टाइटल है यानी इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आप ये पिन वाला ऑप्शन आना है, इस पर आपको क्लिक करें। क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएगा, चले मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपका वीडियो आ चुका है, आपका टाइटल यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है चुका है। आपको सिंपल सा आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर शो मोर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर और ज़्यादा नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है यह टेक्स्ट शो हो जाएगा। उसके बाद हमें आना है नीचे की तरफ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कमेंट्स एंड रेटिंग। तो यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर मैं उसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ कमेंट विजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देख रहे डिसेबल कमेंट्स, सो कमेंट ऑफ हो चुका है। तो इस पर आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको एलो कर देना है, एलो ऑल कमेंट्स। सो यहाँ पर क्या करना है, एलो ऑल कमेंट्स पर क्लिक करना है। यह हो चुका है आपके आज उस वीडियो पर आपका कोई भी बंदा आप कमेंट भी कर सकता है, लेकिन क्या हो गया आपके वीडियो पर लाइक एंड डिसलाइक हाइड हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल से नीचे वाले जो यहाँ पर देख रहे हैं शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, तो इसको आपको एनेबल कर देना है। चले हम इसको राइट चेंज कर देते हैं। देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से सेव पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलिए हम उस वीडियो को ओपन करके दिखा रहा हूँ कि उस वीडियो पर वही प्रॉब्लम है अभी है या नहीं है। चलिए इसको क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइक डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू।